हेलो माय फ्रेंड्स, कसकाय, मैं हूं आपका रफ़ी सर। और आज मैं बात करने जा रहा हूं लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डैट इज BH3THF। BH3 को हम लोग डाई बोरेन भी बोलते हैं, यू नो, ये डाइमर फॉर्म में मिलेगा। और THF यहां पे सॉल्वेंट का काम करता है, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। ये इस तरह का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो सॉल्वेंट का यहाँ पे काम कर रहा है। मैनली, यू नो, बोरॉन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो जिसको ये लोन पेयर के थ्रू स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो BH3THF जहाँ भी एरो पे लिखा होगा, डैट मीन्स आपको रिड्यूस करना है। और किसको रिड्यूस करना है, किसको नहीं रिड्यूस करना है, डैट मीन्स इसमें रिएजेंट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या है, उसको मैंने अगेन वेरी सिंपल स्लोगन से कनेक्ट किया है, एंड डैट इज भाई तूफान को हेलो मत बोलो। डैट मीन्स, यू नो, तूफान को हेलो नहीं बोलना है। भाई तूफान को हेलो मत बोलो, नहीं तो कपल मरेंगे, वरना सिंगल मरेंगे, डबल सिंगल होंगे और अल्कोहल पियेंगे। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है, भाई तूफान को हेलो मत बोलो। अगर तुमने तूफान को हेलो बोल दिया तो क्या होगा, नहीं तो कपल मरेंगे, वरना सिंगल मरेंगे या डबल सिंगल होंगे, और ये सब अगर ऐसा हुआ तो ये गम में क्या करेंगे, अल्कोहल पियेंगे। जस्ट जोक ना। तो क्वेश्चन इज कि इसका मतलब क्या है सर। तो देखो, भाई मतलब BH3 से हमने BH से भाई बना लिया। तूफान मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान से मैं तूफान, भाई तूफान। को मतलब इसमें C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल वाला कार्बन होगा, को हेलो, डैट मीन्स C डबल बॉन्ड OX एसिड हेलाइड अगर होगा तो इसको आपको रिड्यूस नहीं करना है। ये रिड्यूस नहीं होगा, एसिड हेलाइड सिर्फ रिड्यूस नहीं होगा, नहीं तो, डैट मीन्स अगर नाइट्रोजन है लाइक अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2, तो ये नाइट्रोजन आ गया, नहीं तो, या फिर RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन आ गया, तो नहीं मतलब नाइट्रोजन तो कपल मरेंगे, डैट मीन्स ओनली पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। इस केस में ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा ब्रेक नहीं करेंगे, इसलिए नहीं तो कपल मरेंगे। कपल इन द सेंस डबल बॉन्ड को आपको ख़त्म कर देना है, सिंगल बॉन्ड को रखना है। अगर कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिफरेंट है, तो वहाँ पे उसको भी आपको ब्रेक करना है, डैट मीन्स सिंगल मरेंगे। जो डबल होंगे सी डबल बॉन्ड ओ वाले लाइक एल्डिहाइड कीटोन में, डबल सिंगल होंगे, और इन सब केस में जो सिंगल मरेंगे या डबल सिंगल होंगे तो अल्कोहल बनाना है, और नहीं वाले में आपको एमाइंस मिलेगा। करना क्या है सर, ये बताओ करना क्या, एक्चुअली में ये तो कहानी हो गई, करना क्या है? तो देखो, करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने एक समझाया कि सपोज करो मैंने सी डबल बॉन्ड ओ वाला लिया, तो ये वाला पॉइंट लगाना है, डबल सिंगल होंगे, यहाँ पे डबल दिख रहा है, तो हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया और इसको भी एक हेच दिया, इसको भी हेच, एकदम इक्वल बराबर इज्जत देना, दोनों को हेच दिया और ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये वाला नहीं तो, अगर नाइट्रोजन होगा तो सिर्फ डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया और जो भी पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे उस दोनों को एक एक हेच मिल जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, तो सिंगल भी ब्रेक होंगे, वरना सिंगल मरेंगे, ये पॉइंट, डबल सिंगल होंगे, तो सिंगल को मैंने ब्रेक किया HH दे करके और डबल को सिंगल किया HH दे करके, तो ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो करना क्या है वो भी हमने समझा दिया। चलिए, अब जो हमने आपको स्लोगन या ट्रिक दिया है उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिया है और BH3THF को एज ए रिएजेंट यूज किया है, तो अपना स्लोगन क्या था, भाई तूफान को हेलो मत बोलो, नहीं, डैट मीन्स नाइट्रोजन होगा तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, वरना सिंगल मरेंगे और डबल सिंगल होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ डबल ही सिंगल होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन को हम ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एलिमेंट मानते हैं, तो डबल को सिर्फ आपको क्या कर देना, सिंगल, इसको हेच देना है, इसको हेच देना है, तो व्हाट यू विल गेट, बाकी जो चीज़ जैसे वैसे ही रहने देना, इसका हेच और इसका हेच, यू विल गेट अल्कोहल। अगेन यहाँ पे सेम पॉइंट, डबल को सिंगल कर देना, इसको हेच, इसको हेच, व्हाट यू विल गेट, CH3 सी पे ओ के साथ हेच, इसका हेच और CH3, जो जैसे। यहाँ पे
कार्बन ऑक्सीजन में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सिंगल भी मरेंगे और डबल सिंगल होंगे, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो इसको हैच और इसको हैच मिलेगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो इसको हैच एंड इसको अगेन हैच मिलेगा। तो व्हाट यू विल गेट, CH3 इस कार्बन पे O के साथ हैच और दो हाइड्रोजन आ गया। तो आप ध्यान से देखो, तो 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, ओनली कीटोन में आपको 2 डिग्री मिलेगा, अदरवाइज 1 डिग्री मिलेंगे। नाउ अगेन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, डिफरेंट है, तो इसको ब्रेक करके इसको हैच और यहाँ से डबल को ब्रेक करके इसको हैच एंड इसको हैच, तो अगेन यू विल गेट सेम प्रोडक्ट, CH3CO के साथ हैच, इधर एक हैच, इधर एक हैच, 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ अगर एनहाइड्रेट लेंगे तो अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन है, तो फिर से डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ब्रेक कर देना और डबल को भी सिंगल कर देना है, तो अगेन यू विल गेट सेम प्रोडक्ट, CH3C के OH, इधर हैच, इधर हैच। तो हर केस में आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एक्सेप्ट कीटोन में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। तो वही हमने पॉइंट दिया था कि भाई तूफान को हेलो मत बोलो, नहीं तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं था कि कपल मरेंगे, वरना सिंगल मरेंगे, सिंगल कब मरेंगे जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और डबल सिंगल कर देना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना एंड अल्कोहल पियेंगे, डेट मीन्स देखो सब केस में अल्कोहल बन रहा है। नाउ यहाँ पे नाइट्रोजन है नहीं, तो सिर्फ किसको आपको ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को, तो यहाँ पे इसको हैच और इसको हैच, और डबल मरेंगे कपल मरेंगे मतलब इसको भी ब्रेक करना है, तो इसको हैच और इसको हैच, ओनली दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर वाले को नहीं करना है। तो व्हाट यू विल गेट, CH3CH2NH2 यू विल गेट अमाइन, नहीं तो कपल मरेंगे, डैट मीन्स आपको सिग्मा और पाई जो सी डबल बॉन्ड वाला उसको ब्रेक कर देना है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन है तो सारे ये पाई बॉन्ड को आपको ख़त्म कर देना, तो व्हाट यू विल गेट, CH3CH2NH2, क्योंकि ये ब्रेक होंगे तो इसको हैच, इसको हैच, इसको हैच, इसको हैच, सबको बराबर इज्जत देना है। इवन तो ये एल्कीन को भी कर सकता है, अगेन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हैच, इसको हैच, व्हाट यू विल गेट, CH3CH2CH2CH3। अगेन अगर ट्रिपल बॉन्ड भी हो, एल्काइन भी हो, तो आपको ब्रेक करना और हैच हैच देना है, तो व्हाट यू विल गेट, CH3CH2CH2CH3। और ये वाला जो आ गया, वही भाई तूफान को हेलो मत बोलो, हेलोजन आ गया है क्लोरीन, तो इसका फिर नहीं हो पाता है, फिर ये रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट से इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, और BH3 खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। नाउ जाते जाते अगेन एक ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में ये है कि जो आपका BH3 है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, यू ऑलरेडी नो, 13 ग्रुप वाले जो भी होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, एंड कि जो इसका वर्किंग है वो सिमिलर टू H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम या प्लेटिनम, इसके जैसा ही वर्किंग था, बट ओनली डिफरेंस इज कि ये आपका एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता था, ये आपका एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता था, H2NI या PD या PT, जबकि जो आपका BH3THF है वो एसिड को तो रिड्यूस कर देता है और एसिड हैलाइड को नहीं कर पाता है। तो ओनली डिफरेंस इज कि ये BH3THF से रिड्यूस नहीं हो पाते हैं, जबकि H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD इससे हो जाएंगे, जबकि ये H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD इनसे नहीं हो पाते हैं, बट BH3THF अगर हम लेंगे तो इनसे हो जाएंगे। तो ओनली डिफरेंस यही है, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिस पे ये काम करता है उस पे ये भी काम करता है, ओनली डिफरेंस इज कि ये एसिड हैलाइड को नहीं कर पाता है जबकि H2PD कर देता है, और ये एसिड को नहीं कर पाता है H2PD जबकि BH3 एसिड को कर देते हैं।